मैं अनहत नाद भी सुनना अते पत्तियां दी सरसर भी मेरे साजां च शामिल है तेरे पैरां दी झांझर। और मकता सी के असंखा दीप जगदे ने सुखन दे इस जहान अंदर, असंखा दीप जगदे ने सुखन दे इस जहान अंदर, इना दीपां दे विच शामिल है एक सुरजीत पात्र। लेकिन जी मैं इनू इस मकते नू सिर्फ शेर बना लवां तो इस विच मेरी थान जावेद अख्तर साहब भी आ सकते हैं कि असंखा दीप जगदे ने सुखन दे इस जहान अंदर, इना दीपां च इना दीपां दे विच शामिल है एक जावेद अख्तर। सो मुश्किल सिर्फ ये है कि जावेद साहब दीप नहीं हैं, दीपता दीपक हुंदा दीवा, इस सितारे हैं और एक सदीवी सितारे। इन्हां दे नाम का अर्थ यही है जावेद अख्तर, यानी जो अमर है सदीवी है, और जो अख्तर है, अख्तर मीन्स सितारा, और दीवे ते तारा, मैं कह सी असी दीवे वांग बुझना असी तारे वांग रहना। सो ये मुश्किल है। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ प्रोफेसर अरविंद होरां दा, डॉक्टर गुरमुख सिंह होरां दा, तुहाडा सारयां दा कि जिन्हां ने जावेद अख्तर साहिब नूं इत्थे बुलाउण विच सफल होए तुसीं, और नाल ही मैनू भी याद कीता। मैं इस यूनिवर्सिटी का पुराना विद्यार्थी हाँ, एक सदी तो 7-8 साल पहला मैं कपूरथले तो सीधा बस लैके पटियाले पहुँचा, भावें राह बहुत एम ए होर आउंदियां सी, जलंधर मिल तो 13 किलोमीटर दूर सी, लुधियाना भी सी, लेकिन मैनू पंजाबी यूनिवर्सिटी दी, और मैं जिंदगी च जिहड़े फैसले ते माण करदा हुन्ना उहनां च वड्डा फैसला ही है कि मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी विच आ के पढ़िया, और इत्थे मैं बहुत कुछ सिख्या। तो उस यूनिवर्सिटी दे प्रकाशन, अध्यापन, भूतवाड़ा, सब कुछ जो वो मैनू बनाउण विच उहदा बहुत ज़्यादा हिस्सा। और हुण प्रोफेसर अरविंद साडे धन धन भाग हन कि इस युग विच सानू इहो जिहे ही वाइस चांसलर दी लोड़ है जिहड़ा विज्ञान दा भी एक बहुत वड्डा नाम है, और साहित्य और कला और जिंदगी दा जो जस्टिस, जिंदगी दा इंसाफ, उस बारे भी इन्ना सोचण वाला होवे। मेरा वाह बहुत पंजाबी विभाग नाल पैंदा, और पंजाबी विभाग दे सारे जिहड़े मेरे दोस्त ने, मेरे अजीज़ ने, मैं उन्होंने मिल के उन्होंने गल्लां सुन के मैं कहना मैं अपनी चेतना की घड़ी का वक्त ठीक करना कि हुण कित्थे पहुँच गई कहानी। सो मैं उन्होंने मिल के अपने आप नूं ठीक करदा। सो इहो जिहे दोस्त ने, मैं बाकी विभागां नाल मेरा बहुत ज़्यादा वाह नहीं पैंदा, पर मैं इन्हां बारे जरूर कह सकदा। सो मैं इत्थे ही पहली बारी खुशवंत सिंह, बलवंत गार्गी, डॉक्टर भजन सिंह, निहार रंजन रे, जाकिर हुसैन वर्गियां शख्सियतां नूं पहली बारी सुनिया, ते अज जावेद अख्तर साहिब नूं सुनिया, और मैं महसूस किया कि शायद इन्नी मतलब जिहड़ी एक सेहरन हुई इन्नी मैनूं कदे नहीं हुई इस शख्स नूं, इस शायर नूं मिलना एक मेरे लिए बहुत वखरा जिहा अनुभव सी, बहुत सारी गल्लां करके। तो जावेद अख्तर साहब ने शायर आम तौर पर दीवाने मने जाते, पर ये दाने भी बहुत ने। जिवें कहिंदे ने कि माइथोलॉजी जे कि जिहड़े मत्थे च दो तरह के, कईआं दा सज्जा पासा बहुत सूरज रोशन हुंदा, कईआं दा खब्बा पासा जिहड़ा रोशन हुंदा है दे क्रिएटिव परसन, और सज्जे पासे वाले ते एनालिटिकल। सो इन्हां दे दोनों ही पक्ष रोशन ने। सो इन्हां नूं सुनना एक अपने आप च बहुत ये रोशन दिमाग, रोशन जमीर, रोशन दिल, दानिशवर। तो साहित्य बारे दो कथन मेरे फेवरेट ने,
एक कथन खलील जबरान होरां दा, मैं बहुत कोट करदा हुंना। वह कहिंदे आ कि साढ़े सब तो वड्डे गायक वह हन जिहड़े साडियां खामोशियां नूं गाउंदे हन। अवर ग्रेटेस्ट सिंगर्स आर दोज हू सिंग अवर साइलेंसिस। और इत्थे गायक दा मतलब शायर भी आ, अदीब भी आ, कथाकार भी है, क्योंकि साढ़े सब के अंदर कुछ खामोशियां होंदियां जिहड़ियां असीं जिहड़ियां दे थल्ले बड़ा कुछ दबिया हुंदा। और साढ़े खौफ, बहुत सारे खौफ जिहड़े आ वो खामोशियां उन्हां करके हुंदियां। कोई साढ़े सोशल खौफ, पोलिटिकल खौफ, टैररिस्ट दे खौफ, और इसलिए वह खौफ उन्हां खामोशियां नूं गाउणा जिहड़ा जिवें जब समझ लिया कि भी शायर जिहड़ा वह ज़्यादा कहानीकार तो ज़्यादा या किसी भी होर तो ज़्यादा ज़्यादा वह गल्लां कह सकदा या ज़्यादा ब्रेव गल्लां कह सकदा। तो मैनूं याद है कि जदों पाकिस्तान का एक मैं शायर सुनिया कि हालात उत्थे तो आपां नूं पता ही है किस तरह के, तो रात मुशायरे रात नूं ही हुंदे आ। तो शायर ने एक शेर पढ़िया, बड़ा उन समय बारे पढ़िया, पर बड़ा समझो वो लुकिया होया भी सी। ते जो कहिंदा कि मैं यहाँ रात को हूँ रात समझने वाला, है कोई मेरी यहाँ बात समझने वाला। तो उन्हें जो किसी ने जो कहानी का शायर ना कह सकता उन्हें यह जी गल आखी। और खौफ विचार बदल भी दिंदा। एक लतीफा के किसी को चिट्टा घोड़ा सी, वो चिट्टा घोड़ा बन के तो कित आस पास गया, तो जो आया तो उसका सारा घोड़ा काला पेंट किया हुआ। तो उन्हें बड़े गुस्से ना पूछा कि मेरा घोड़ा क्यों नहीं पेंट किया काला। तो एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी फड़िया, मैं किया दस की कहना। वो कहना बस यही कहना सी कि पहला कोट सुक गया दूसरा। सो खौफ जो खौफ है वह साढ़े विचारों ने जो असर करता। खौफ चो खामोशियां पैदा होंदिया, और झूठे बोल पैदा होंगे, सटल सेंग, जो सटल सेंग पैदा होंगे, जो जिस तरह उन्हें पाकिस्तानी शायर ने एक सटल गल कही। और खौफ एक हकीकत है। लोक गीत सब तो बेबाक मने जाते, क्योंकि लोक गीत बेनाम होंगे, वो किसी के नाम नहीं जुड़ता। लेकिन लोक गीतां विच भी जो लोगों की लोक नायिका कुड़ी का एक मैं बहुत बोली मैं याद करता, वो कहती है कि रब्बा तेरा शुक्र करा सीधी दिल नू जीव ना लाई, कि मैं तेरी शुक्रगुजार हाँ कि मेरे दिल और जुबान विच तू फासला रखिया। पता नहीं मैं वरना की कह दिंदी। सो उहदे विच भी एक खौफ असी महसूस कर सकते हैं कि सो शायरी उन्हां खामोशियां नू गाउण वाली चीज़ है। और लहिंदे पंजाब दे पंजाबी शायर दा एक बहुत मशहूर थी, सारे जानते हैं, उहदी एक उहदा एक शेर है बहुत खूबसूरत कि जे बोलां तां मार देणगे, ना बोलां तां मर जावांगा। सो शायर दी इह एक दुविधा हुंदी है कि मैं इदां मरना कि इदां मरना, उन्हें एक चॉइस चॉइस कर लें। तो सरकारां दे पद्धर ते जो इनटॉलरेंस दा पद्धर है वह ये हो गया कि हज़ारां पलीतियां यानी हज़ारां पॉल्यूशन दे बावजूद हाकम शायर नूं कहिंदा, एक छोटी जी कविता है कि देश दी साफ स्वच्छ हवा विच इस दी चंगी भली फिजा विच तू क्यों डूंगा होका भरिया, कि तू डूंगी आह क्यों भर, तू क्यों डूंगा होका भरिया, लगदा है तू ओही है यानी देश द्रोही है। लेवल इंटॉलरेंस है जरा वो ये हो चुका। और सो शायरी ने एक शिल्प
शिल्प सिद्धत के नाल नाल शिल्प और जुर्रत भी बाकी जो बहुत कुछ चाहिए। सो मैं दो कथन कहा कि दो कथन मैंने बहुत साहित्य नू समझन च जा साहित्य का रोल की है उस हेल्प कर। दूसरा कथन मिर्जा गालिब का शेर है, शायद उन्होंने किसी होर प्रसंग से कहा पर मैं उन्होंने साहित्य और अदब ते कला ते लग कर दूँ। कहते कि आह कीजे मगर लतीफ तरीन होका पर बहुत बरीक लतीफ तरीन ने थोड़े मैंने होर भी कह रहे हैं लेकिन आप गुजारा कर ले कैसे कि आह कीजे मगर लतीफ तरीन लब पे आके धुआं ना हो जाए कि तेरे बुल्लां ते आके धुआं ना बन जाए कि तुहाडी जिहड़ी शायरी है उह च इक कशीद होण वर्गा अंत चाहिए उहदे च कला चाहिए उहदे च जो कुछ चाहिए। सो वो असीं इस गालिब दे शेर तो सीख सकते हैं। तो प्रोफेसर गुरदयाल सिंह होणां नूं मैं हुण इत्थे याद करदा कि प्रोफेसर गुरदयाल सिंह भी लतीफ तरीन आह भरन वाले नावलकार से। उन्होंने नावलों के कई पैरे जो पैराग्राफ ने वह समझो कि बिल्कुल पोइट्री से दाखिल हो जाते हैं और उन्होंने पढ़ना सो उन्होंने याद करना अज के दिन तो वो मेरे को इन्ने मैं उन्होंने नावल अनेक थाई कविता होंगे देखे इन्ने सूखम और इन्ने इन्ने गहरे।